नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। गर्मी के मौसम में तपती धूप और गर्मी की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्या पैदा हो सकती है। इन्हीं में से एक है नाक में जलन या इरिटेशन। पेट में गर्मी और नाक में इन्फेक्शन की वजह से ये समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको इस मौसम में अपने शरीर को ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए आपको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिनमें कूलिंग इफेक्ट हो और जो शरीर को ठंडा रख सके। अगर आपको भी अक्सर नाक में जलन होती है तो आइए जानते हैं कुछ कारणों के बारे में। इन्फेक्शन, एलर्जी, डस्ट से नाक की लाइनिंग में आई सूजन के कारण नाक के अंदर जलन हो सकती है। मौसम बदलना, मौसम बदलने के साथ नाक में जलन बढ़ सकती है। आमतौर पर मौसम के बदलाव के साथ ही हवा ड्राई हो जाती है। इस ड्राइनेस से शरीर के अंदर की नमी वाष्पित हो जाती है। इससे नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन से भी मॉइस्चर खत्म हो जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस के दौरान वातावरण में मौजूद प्रदूषण और अन्य एलर्जन के कारण नाक में खुजली व जलन होती है। इससे छींक आने लगती है। मौसम बदलने के समय ये लक्षण बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेजल इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस जैसे नेजल इन्फेक्शन से भी नाक में जलन महसूस होती है। इस तरह के इन्फेक्शन में म्यूकस नाक के खुले छिद्रों में फंस जाता है। दवाइयों का सेवन, एंटीहिस्टामाइन और एंटीबैक्टीरियल जैसे दवाएं नाक में जलन और खुजली को ठीक कर सकती हैं। वहीं इन दवाओं के अधिक प्रयोग से नाक में सूखापन बढ़ सकता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। धुआं व प्रदूषण, सांस लेते समय धुआं और हवा में मौजूद टॉक्सिक शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। केमिकल और प्रदूषण के कारण राइनाइटिस और नाक में जलन होने जैसी स्थिति हो सकती है। तंबाकू का धुआं, इंडस्ट्री केमिकल, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड व अमोनिया जैसी गैस और धूल मिट्टी नाक में खुजली व संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।